तो दोस्तों ये करीना कुमारी पेशेंट हमारे पास बिहार से आए हैं। इनको कुछ इन्फेक्शन था, हमने ट्रीट किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये कुछ बोलना चाहती हैं तो सुनो आप। नमस्ते जी, जितने भी सारे दीदी हैं कृपया करके प्लीज़ शर्माइए मत, सर के पास आइए, सर बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर की तरह नहीं है, जितना विश्वास करिएगा सर पे उतने अच्छे हैं। मैं गाँव से आई हूँ बिहार से, मुझे भी लगता था कि नहीं दिल्ली में कोई फ्रॉड है, सारा जितना अजीब रहता है सारा होता है फ्रॉड है। यहाँ आने के बाद पता चला सर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से इलाज करते हैं, पापा की तरह केयर करते हैं, बहुत अच्छे हैं सर। कृपया करके जितने भी लेडीज़ हैं लड़की हैं समझने का कोशिश करिए, शर्माइए मत, आइए यहाँ पर अपना इलाज कराइए। नमस्ते। इतना बताओ कि बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट बिहार से निम्न वर्ग के होते हैं, छोटे घर के होते हैं, कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड लड़कियां होती हैं, वो शर्म के मारे झिझकती हैं या फिर वो दिल्ली बहुत दूर है आने से झिझकती हैं। कुछ अनमैरिड लड़कियां स्पेशली उनको प्रॉब्लम होती है, चाहे कुछ गलत हुआ हो या जो भी है, बट जैसा भी है अगर डिजीज़ हो गया है तो आपको अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर आप ये मत कभी मत सोचो कि बीमारी हल्की है, शुरुआत है, तो कुछ क्रीम दवाई से आप ठीक हो जाओगे, तो ये डॉक्टर तय करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, उनको अगर कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है टेस्ट करता है, देन डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह सब सजेस्ट करेगा। एटलीस्ट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो या फिर ऐसे किसी डॉक्टर के पास आप जा नहीं पा रहे हो जो इलाज नहीं कर पा रहा, अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है आपको इस तरह के डॉक्टर के पास जाएँ जो इलाज कर पाए। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी दूसरे राज्य में है तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पर एटलीस्ट आप डिजीज़ को पाले नहीं, डिजीज़ को बढ़ाए नहीं। तो करीना जी आप ये बताओ आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी यहाँ आने के लिए, क्या जैसे आपने अभी बताया कि लोग बता रहे थे दिल्ली मत जाओ, ये जाओ, कुछ हो रही थी, क्या क्या परेशानी आपने देखी? समाज के लोग जितने थे बोल रहे थे कि दिल्ली में फ्रॉड रहता है, मत जाओ, आप यहीं पे इलाज करा रहे हो, ऐसे कुछ बोल रहा था सर। तो आप वहाँ पे इलाज करा रहे थे? हाँ, करा रहे थे। कुछ फायदा हो रहा था? नहीं सर, और बढ़ती जा रहा था। यहाँ आने के बाद बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छे लगे हैं। आप जिस तरह से समझते हैं, मुझे लगता है कोई डॉक्टर इस तरह से नहीं समझता मुझे। लेडीज़ डॉक्टर, मैं लेडीज़ हूँ, अगर कोई लेडीज़ भी रहती तो मुझे इस तरह से नहीं समझ पाती, इसीलिए मैं सब पेशेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आपको डिजीज़ अगर होता है ना, शर्माइए नहीं, एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके जरूर इलाज कराइए। तो ये काफ़ी परेशान थी, इनको राहत नहीं मिल पा रहा था वहाँ बिहार में, इसी वजह से ये मजबूर होकर मेरे पास आई। और आते ही इनको मैंने देखा इन्फेक्शन तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं मुझे मिला, और ये बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में ठीक हुए हैं। ये एक या दो, शायद तीन सीटिंग में ये बिल्कुल ठीक हो गई, इनके सर्विस में इन्फेक्शन था और तीन सीटिंग में ये बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवर हो गए हैं। और इनको अपना ये ध्यान रखेंगे, हम लोग पेशेंट को काफ़ी कुछ गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, इसमें एजुकेट करना, पेशेंट को समझाना, सही गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ पेशेंट अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, प्रॉब्लम आती है दोबारा। बट फिर भी रूटीन एग्जामिन के लिए पेशेंट को बाद में थोड़ा आना चाहिए, इनको भी हमने ये समझाया कि एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद एक रूटीन एग्जामिन के लिए ज़रूर आए, एक चेकअप जरूर करें ताकि हम कन्फर्म करें कि कोई इन्फेक्शन को बढ़ नहीं रहा है, इन्फेक्शन ठीक हो गया है, कंट्रोल में है, ये ज़रूरी होता है। थैंक यू।